हरदा पुलिस ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुनील कौर को पुलिस थाना रहट गांव अंतर्गत ग्राम मोहनपुर नजरपुरा के पास खेत में बनी टपरी में छिपा था। लगातार 6 दिनों से आरोपी की खोजबीन की जा रही थी, जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। वह पुलिस से लगातार बचता आ रहा था। पुलिस के द्वारा रात भर खोजबीन के बाद सुबह करीब 11 बजे पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे रहट गांव के समीप ग्राम मोहनपुर नजरपुरा खेत में छुपा हुआ पाया और तत्काल ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे के नेतृत्व में पूरे जिले का पुलिस बल आरोपी की तलाश में जुटा हुआ था। पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से नजरपुरा के आसपास के इलाके में छिपता फिर रहा था, लेकिन ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे सख्त सुरक्षा के बीच थाने भेजा, जहां उससे पूछताछ की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे ने सफलता के लिए पूरे पुलिस दल बल की मेहनत और त्वरित कार्रवाई की सराहना की एवं ग्रामीणों का भी आभार माना, जिन्होंने पुलिस को सहयोग किया। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी और लोगों ने पुलिस की सफलता पर राहत की सांस ली। आरोपी पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर कानूनी संभव प्रयास किए जाएंगे। 5 दिनों से चलती हुई जो मेहनत थी, ये हरदा पुलिस ने इसमें सफलता प्राप्त की है। हरदा पुलिस के करीब 200 जवान और समस्त थाना प्रभारी, समस्त अधिकारी, समस्त SDOP इस मुहिम में जुड़े हुए थे। जैसे ही 23 की रात को खंडवा खालवा के आरोपी ने ये अपराध किया था, उसके तुरंत बाद ही टीमें इसमें एक्टिव हो गई थी। और क्योंकि ये खालवा के जंगलों में, रोशनी के जंगलों में चला गया था, रोशनी के जंगलों से चलते चलते ये चारुआ के होते हुए सिराली थाना क्षेत्र में देखा गया था, तो तुरंत रोशनी से सारी टीमें एक्टिवेट होकर सिराली आईं और सिराली से मागरदा होते हुए रहड़गांव के जंगलों में और बैतूल की बॉर्डर तक वहाँ पर गया। जंगलों में इसकी करीब 3 दिन सर्चिंग चली। तीनों दिन मेरे साथ मेरी पूरी टीम जंगल में मौजूद थी। प्रत्येक दिन हमने 2 घंटे की ही नींद ले पाए और इसमें भारी मेहनत के बाद, पूरा जंगल छानने के बाद, और इसमें संपूर्ण समर्थन मुझे लगता है हमें रहड़गांव और सिराली के लोगों का था, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर पुलिस का सहयोग किया। हमारे जिला कलेक्टर साहब ने हमें ड्रोन उपलब्ध कराया। रहड़गांव के जो लोग थे और सिराली के जो लोग थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।